नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सुमित राठी कैसे हैं आप आई होप्स आपके साथ बहुत अच्छे हैं अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के करते हैं हम आज के करंट अफेयर की शुरुआत बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में मेरे नाम पर यार बहुत सारे टेलीग्राम चैनल बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप जो हैं वो लोगों ने खोले हुए हैं कई तो पता नहीं ट्रेडिंग ट्रेडिंग के भी चैनल खोले हुए हैं ठीक है तो वो बस कुछ नहीं कि एक आदमी थोड़ा सा फेमस है थोड़ा सा पॉपुलर है उस टेलीग्राम सेगमेंट में बच्चों के बीच तो उसको एक्सप्लॉइट करने की बात है और कुछ नहीं है सो so, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों जो भी मेरे साथ जुड़े हैं कि मेरा किसी प्रकार का कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है मैं सिर्फ़ एकमात्र इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ दिस इज द ओनली टेलीग्राम चैनल आई हैव और ये मेरा एकमात्र ना मेरा कोई ग्रुप है इसके अलावा और ना ही इसके अलावा मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है तो मेक श्योर आप अगर किसी भी ऐसे मेरे ऐसे मेरे नाम पे किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो मैं बता दूँ वो मेरा नहीं है तो प्लीज़ आप वहाँ से हट जाइएगा और उसको अनफॉलो कर लीजिएगा ना मेरा कोई चैनल है इसके अलावा ना मेरा इसके अलावा कोई टेलीग्राम ग्रुप है हाँ ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं सुमित डॉट राठी जीरो थ्री दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ग्रुप इंस्टाग्राम ये मेरा uh, टेलीग्राम चैनल है तो दोनों पर आप जुड़ सकते हैं पहली बात करते हैं दोस्तों आज कैबिनेट अप्रूव रॉयल्टी रेट्स फॉर द स्ट्रैटेजिक मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूं दोस्तों देखो आजकल अगर हम देखें ना तो एनर्जी ट्रांजिशन चल रहा है हम पहले कोयले के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट थे कोयले के ऊपर या फॉसिल फ्यूल के ऊपर में जिसमें आपका पेट्रोल डीजल ये सब आता था बट नाउ वी आर मूविंग टुअर्ड्स अ क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी और जब क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बहुत आवश्यक है जैसे बैटरी बनाने के लिए लिथियम बहुत आवश्यक है, है ना तो ये मिनरल्स को हम आज के टाइम पर क्या बोल रहे हैं दोस्तों बी नेम्ड दैम एज अ क्रिटिकल मिनरल है ना अब आज अगर भारत में हम बात करें तो इन मिनरल्स की माइनिंग वगैरह कहीं पर नहीं होती है और भारत के अंदर में इसका एक बड़ा कारण था दोस्तों रॉयल्टी रेट का अधिक होना भारत के अंदर में कुछ क्रिटिकल मिनरल्स पे रॉयल्टी रेट जो है वो बहुत ज्यादा थी 12% परसेंट ऑफ एवरेज सेल्स प्राइस मतलब जो सेल प्राइस है उस मिनरल का जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे आप उसको मार्केट में बेचोगे तो जिस भाव में वो बिकेगा उसका बारह सरकार आपसे रॉयल्टी ले लेगी इधर दे दो रॉयल्टी के नाम का है ना तो उससे क्या था दोस्तों वो प्राइस बहुत अफेक्ट हो रहा था और ये सेगमेंट जो था वो ल्यूक्रेटिव था ही नहीं जो माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो यार इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं थी क्योंकि बहुत महंगा पड़ रहा था इंटरनेशनल स्तर के ऊपर अगर आप देखोगे ठीक है कोई भी बड़ी मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है वो भारत के अलावा भी कई जगहों पर एंगेज होती है तो उसको लगा कि भारत में लुक्रेटिव है ही नहीं बाकी देश ऐसे हैं जहाँ दो है एक है तीन है और वही भारत के अंदर कितना था दोस्तों बारह परसेंट रॉयल्टी रेट समझ रहे हो आप बात क्या कह रहा हूं मैं रॉयल्टी रेट का मतलब क्या होता है कल को मैं किताब छपवाऊं मैं उस किताब के लिए कॉन्टेंट दूँ तो पूरी जिंदगी मुझे रॉयल्टी आती है उसकी ठीक है ऐसा होता है ना भाई लक्ष्मीकांत जी की जो किताब है पॉलिटी की तो लक्ष्मीकांत जी ने तो एक बार कंटेंट दे दिया अब उसके बाद में टाटा मैगराइल जो है वो हर साल हर एक किताब के ऊपर उनको रॉयल्टी देता है कि किताब बिकेगी तो इतना परसेंट आपका दैट इज ऑन रॉयल्टी तो रॉयल्टी एक परसेंटेज होता है जो आपका एवरेज सेल्स प्राइस होता है उसके ऊपर तो अभी इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कि भाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड द क्लीन एनर्जी एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें दोस्तों जो हमारी रॉयल्टी रेट है उसको हम फिक्स करें और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों भारत सरकार ने रॉयल्टी रेट को फिक्स किया है तीन मिनरल्स के लिए जो बहुत ही जरूरी है सो कैबिनेट अप्रूव रॉयल्टी रेट्स फॉर द लिथियम एंड टू अदर स्ट्रैटेजिक मिनरल एक तो लिथियम के लिए और दो और इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिसके लिए किया है इसे सिंपल होगा क्या दोस्तों इससे सिंपल ये होगा सर देश के अंदर में जो हमारी माइनिंग ऑर्गन इंडस्ट्री है वो और सशक्त होगी पहली बात दूसरी बात क्या है दोस्तों बाहर देश से भारत के अंदर में जो माइनिंग के अंदर में अपना क्षेत्र में माइनिंग के क्षेत्र में इन मिनरल्स के को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो आएंगे ठीक है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी है ना कई सारी चीजें होंगी और भारत जो है नेट जीरो की ओर बढ़ पाएगा नेट जीरो समझते हो ना भारत ने टारगेट सेट किया है कि हम <coughs> कॉप छब्बीस में कि वी विल अचीव नेट जीरो बाय 2070 2070 तक हम अचीव कर लेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा तो ये उसी डायरेक्शन के अंदर में सारी बात जो है वो चल रही है तो प्यारे बच्चों गवर्नमेंट द डेवलपमेंट इन सेक्टर चलिए बात करते हैं जो है, 3%, 3 जो है, वो अप्रूव कर दी है फॉर द लिथियम लिथियम के लिए अब रॉयल्टी रेट होगा तीन परसेंट नोबियम जो है ठीक है नियोबियम जो है उसके लिए होगा दोस्तों वन परसेंट ठीक है ये आप हैज अप्रूव्ड थ्री परसेंट फॉर लिथियम एंड नियोबियम एंड वन परसेंट फॉर रेयर अर्थ मिनरल जो बाकी रेयर अर्थ मिनरल है उनके लिए दोस्तों कितना दोस्तों बाकी वन परसेंट और लिथियम और नियोबियम के लिए कितना रखा है सरकार ने तीन परसेंट अभी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको याद क्या रखना है दोस्तों आपको बस याद ये रखना है कि रॉयल्टी रेट के अंदर में कुछ चेंज हुआ है क्यों हुआ है और इससे क्या फायदे होंगे भारत को क्यों सरकार ने डिसीजन लिया है तो अगर आप कहो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जरूरी है एंड मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ध्यान में रखना है दोस्तों क्या कि इसके महत्व तो क्या होंगे इसके फायदे क्या होंगे भारत को अब ये रॉयल्टी रेट में बदलाव करने के लिए जो हमारा मिनरल एक्सप्लोरेशन जो नियम है कानून है उसमें के सेकंड अमेंडमेंट जिसमें प्राइस के बारे में बताया जाता है उसको भी हमने संशोधित किया तो वो भी हम बात करेंगे सो so कैबिनेट की रिकमेंडेशन क्या रही है बात कर लेते हैं तो ये जो तीन क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल है ना दोस्तों तो इनको अभी इनका जो रॉयल्टी रेट है उसको फिक्स किया है ठीक है महत्वपूर्ण और आपके रणनीतिक खनिज जो है उनके लिए रॉयल्टी दरों को जो है फिक्स किया है किसने केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री द्वारा जिसको अध्यक्ष कौन कर रहा है अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे द अप्रूवल बाय द कैबिनेट विन एनेबल सेंटर टू ऑक्शन लिथियम नियोबियम एंड आर एरी ब्लॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इससे होगा क्या दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है ये कह रहा है कि इससे अब पहली बार जब यह कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है तो अब भारत के अंदर में भी लिथियम नायोबियम और रेयर अर्थ मिनरल के ब्लॉक की नीलामी हो सकेगी ठीक है द गवर्नमेंट कैन ऑप्शन दीज ब्लॉक्स ठीक है ये सारे ब्लॉक्स जो है क्योंकि रॉयल्टी रेट ऑफ फिक्स हो चुका है तो अब भारत सरकार जो है पहली बार देश के अंदर में इन ब्लॉक्स को क्या कर पाएगी इनका ऑप्शन कर पाएगी जो अप्रूवल है द कैबिनेट विल एनेबल सेंटर टू ऑप्शन लिथियम नियोबी एमेंड्री आर ई बी फॉर द फर्स्ट टाइम द मैथड फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज सेल्स प्राइस ऑफ दीज मिनरल्स हैज ऑल्सो बीन प्रिपेयर बाय द सेंटर विच विल अलाउ द डिटरमाइनिंग द बिड पैरामीटर साथ साथ देखो एक तो ना केवल इन तीन खनिज का रॉयल्टी रेट सरकार ने फिक्स किया है बल्कि जो एवरेज सेल्स प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी तरीका जो है यहाँ पर सरकार ने निर्धारित किया है कि किस प्रकार से हम एवरेज सेल्स प्राइस जो है वो बनाएंगे साथ ही साथ सेंटर इज वर्किंग टू लॉन्च द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन और अभी बहुत जल्दी जो है भारत सरकार शीघ्र ही लिथियम अर्थ मिनरल निकल प्लेटिनम जैसे जितने भी हमारे रणनीतिक खनिज है दोस्तों इनकी नीलामी का पहला दौर शुरू करने वाले हैं तो देश के अंदर में इनका पहला दौर स्टार्ट होने वाला है ठीक है इनको नीलाम किया जाएगा इन ब्लॉक्स को अलग अलग कंपनी आएंगी इन, इनके ऑक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट करेगी और फिर वो भारत के अंदर में इन खनिज का एक्सप्लोरेशन करेगी कैबिनेट का जो डिसीजन है इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द इम्प्लॉयमेंट इन द माइनिंग सेक्टर और कह रहा है कि यार इससे ना यार सीधा सीधा इस फैसले से आप मान के चलिए भारत के खनन क्षेत्र के अंदर में भी रोजगार बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है जो भारत के देश के लोगों की डिमांड है भाई रोजगार लाओ रोजगार लाओ तो सरकार कह रही ठीक है भैया हम रॉयल्टी रेट फिक्स करते हैं उससे क्या होगा देश के अंदर में जो है हम ये खदान जो है ये हम अलॉट कर पाएंगे अलग अलग कंपनीज को और वहाँ पर आपके लिए हम क्या करेंगे रोजगार उत्पन्न करेंगे अब इसके लिए दोस्तों जैसा मैंने बताया हमारे पास माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट होता है 1955 हमने इसके अंदर में भी कुछ परिवर्तन किए हैं कुछ बदलाव किए हैं ठीक है इसके अंदर में हमारा जो सेकंड शेड्यूल है इसका उसमें हमने बदलाव किए हैं क्यों क्योंकि सेकेंड शेड्यूल के अंदर में ही रेट डिसाइड होता है रॉयल्टी रेट इसी के अंदर में डिसाइड होता है तो हमने यही काम किया है अभी दोस्तों ठीक है इट स्पेसिफाई द रेट रॉयल्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ थ्री क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल जिनका नाम है लिथियम नियोबियम और रेयर अर्थ मिनरल मेरी बात समझे कि नहीं समझे ये वो कानून है ये वो अधिनियम है जो हमने उन्नीस में पार्लियामेंट ने पास किया था और इसी नियम इसी अधिनियम के बाद में दोस्तों रेट तय होते हैं इसके अंदर एक सेकंड शेड्यूल है दूसरी अनुसूची है जिसके अंदर से क्या रेट होंगे कैसे होगा रॉयल्टी क्या होगा एवरेज सेल्स प्राइस क्या होगा वो सब इसी में तो उसको भी हमने यहां पर बदलाव किया है दोस्तों ठीक दो है तो सेकेंड शेड्यूल है एम एक्ट का इट प्रोवाइड रॉयल्टी रेट फॉर वेरियस मिनरल इसी के अंदर में दोस्तों रॉयल्टी दरें जो है वो प्रदान की जाती है, है ना रॉयल्टी रेट फॉर लिथियम नियोबियम एंड आर इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड दैन देर डिफॉल्ट रॉयल्टी रेट वुड बी द बारह परसेंट अभी ये नहीं होता अभी तो तीन परसेंट और एक परसेंट कर दिया है लेकिन ये जब नहीं था दोस्तों तो रॉयल्टी रेट कितना था बारह परसेंट ऑफ एस पी एस पी मतलब एवरेज सेल्स प्राइस बहुत हाई था यार ठीक है बहुत ज्यादा हाई था और इसी वजह से ये खनिज जो, जो हैं वो भारत में एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे थे दोस्तों डोमेस्टिकली और हमें हैविली डिपेंड होना पड़ रहा था किसके ऊपर दोस्तों इंपोर्ट के ऊपर वी आरवी डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट है ना 12 परसेंट के बहुत ज्यादा रेट थे यार इसीलिए हमने इसको कम किया एवरेज जो दुनिया भर के अंदर में इनके प्राइस थे वो बहुत कम थे और इसीलिए भारत का माइनिंग सेक्टर यहां पर क्या था अंडर डेवलप था अब रॉयल्टी क्या होती है सर मैं आपको बता चुका हूं रॉयल्टी इज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ठीक है जैसे मान लो कोई चीज मैंने लक्ष्मीकांत की किताब का एग्जाम्पल दिया ठीक है ये किताब है मान लो मैंने लिख दी और मैंने एक बड़े पब्लिशर को बेच दिया ये किताब लिख के ना एक बड़े पब्लिशर को मान लो मैं बेच देता हूँ तो मान लो ये किताब का प्राइस है सौ परसेंट तो फिक्स होगी भैया जब तुम एक किताब बेचोगे तो इसका पाँच परसेंट नहीं कि पाँच रुपये मुझे रॉयल्टी आएगी अब मुझे नहीं पता तुम कितनी भी किताब बेचो हर किताब पर पाँच मेरा है दैट इज रॉयल्टी ऐसे ही सरकार भी मिनरल्स के ऊपर रॉयल्टी लेती है अब बात आती है सर क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं देखो नाम से ही पता चल रहा है महत्वपूर्ण खनिज देखो खनिज बहुत सारे होते हैं लेकिन आज के समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो खनिज बहुत इंपॉर्टेंट हो ऐसे खनिज जिनके लिए हम दूसरे देश के ऊपर बहुत अधिक निर्भर नहीं कर सकते ऐसे खनिज जो हमारे रणनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो हमारे डिफेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो उन खनिज को हम कहते हैं क्रिटिकल मिनरल ठीक है परिभाषा इसकी एन नंबर ऑफ परिभाषा मिलेंगी आपको परंतु आपको देखना है अ मिनरल विच इज बेसिकली इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट टाइम वेदर इट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पज वेदर इट फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पज वेदर इट्स फॉर एनर्जी पर्पज एंड फॉर दिस मिनरल वी कैन नॉट डिपेंड्स ऑन सम अदर नेशंस ठीक है हमारी इंपोर्ट इंपोर्ट डिपेंडेंसी शुड बी लो फॉर दिस मिनरल्स आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है मिनरल्स इज क्रिटिकल व्हेन द रिस्क ऑफ सप्लाई शॉर्टेज एंड एसोसिएटेड इंपैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी इज हायर देन द अदर रॉ मटेरियल ये वो खनिज है अगर ये खनिज शॉर्ट सप्लाई में हो गया तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एज कंपेयर टू द बाकी मिनरल्स इसको हम कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स ये जो मिनरल है बहुत इजेंशियल होते हैं ये देश के डेवलपमेंट के लिए और देश की सिक्योरिटी के लिए अब मेरी बात समझे दीज आर वेरी इजेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी अब इनमें लिस्ट दी गई है अब थोड़े दिन पहले हमने हमारे देश के अंदर में क्या क्रिटिकल मिनरल होंगे उसकी भी एक लिस्ट जारी की है तो क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर में दो बड़ी खबरें हैं ये पहली बड़ी खबर क्या है दोस्तों कि कुछ मिनरल्स का हमने रॉयल्टी रेट फिक्स किया है ठीक है बड़ी बात है और दूसरा कुछ दिन पहले हमने एक लिस्ट भी जारी की थी अभी दो महीने तीन महीने पहले की बात है कैबिनेट क्या, क्या, ने लिस्ट जारी की थी कि कौन कौन से मिनरल अब भारत के अंदर में क्रिटिकल मिनरल होंगे तो क्लैरिटी आ जाए दिमाग में दीज आर क्रिटिकल मिनरल्स ठीक है ये सब क्रिटिकल मिनरल है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अब सर इनका महत्व क्या है ठीक है क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये महत्व देखो सबसे पहला तो यार इनमें से कई सारे मिनरल ऐसे हैं जो हम एनर्जी ट्रांजिशन में इस्तेमाल करेंगे सर ये एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है राइट नाउ वी आर हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द फॉसिल फ्यूल हम इसको ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये जो नेट जीरो का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमने सेट किया है कि by 2070 वी विल अचीव अवर नेट जीरो ऑब्जेक्टिव उसको हम अचीव करना चाहते हैं दिस इज द प्राइम पर्पस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दूसरा रिलीज ऑफ क्रिटिकल एनर्जी लिस्ट विल मेक अटोन इंडिया पर श्यूट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सिक्योरिटी इन द डोमेन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ठीक है ये भी है यार हमारा एक तो सेल्फ रिलायंस हम इंश्योर कर पाएंगे ठीक है दूसरा क्या है दोस्तों हम यहां पर हमारे खुद के लिए कि माइल स्टोन होगा सेल्फ रिलायंस के अंदर सिक्योरिटी के अंदर है ना ये सारी बातें और कुछ नहीं है अब इसका महत्व क्या है जो अभी हमने देश के अंदर में जो रॉयल्टी रेट को कम किया है तो पहला तो इसका इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ जाएगी दोस्तों समझ में आ रही बात आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता जो है हमारी बढ़ जाएगी बाकी देशों के अंदर में रेट बहुत कम थे अब भारत के अंदर में रेट बहुत ज्यादा थे तो कोई भी ऑब्वियसली बात है भारत देश के अंदर आएगा नहीं उन्हीं देशों के अंदर जाएगा तो इससे इकोनॉमिक कॉम्पिटिवनेस जो है भारत की वो कम थी लेकिन अब भारत के अंदर में भी लोग आएंगे है ना डोमेस्टिक रिसोर्स डेवलपमेंट अभी तक हम दूसरे देशों के उस पर डिपेंडेंट थे जैसे ही हमने रॉयल्टी रेट को कम किया है दोस्तों हमने हमारे डोमेस्टिक कंपनियों को एनकरेज किया है कि आप क्या करो इन्वेस्ट करो इन डेवलपमेंट्स के अंदर है ना तो कम रॉयल्टी दर जो है वो घरेलू कंपनियों को रणनीतिक खनिज भंडार के विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी है ना उनको कहेगी भैया तुम देश का अपना खुद का हम रणनीतिक खनिज भंडार बना रहे हैं तो आप आइए ना इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए क्योंकि रेट भी बहुत कम कर दिए हमने जॉब क्रिएट होगी इसके अंदर में ठीक है नौकरियों का सर्जन होगा समझ में आ रही बात दोस्तों ये जो हमारा अब माइनिंग करेंगे हम हम मिनरल्स निकाल लेंगे खनिज निकाल लेंगे तो इससे सीधा सीधा लोगों की आवश्यकता होगी और इससे नौकरियों का क्या होगा सर्जन होगा है ना लोग जुड़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी आगे बढ़ेगी तकनीक में प्रगति होगी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एंड प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड एंड अ कंट्री रिलायबल सप्लाई ऑफ स्ट्रेटजिक मिनरल इन है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी भाई जिसके पास में आप के चलो इस प्रकार के रणनीतिक खनिज अधिक होंगे ठीक है उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति डिप्लोमेसी के अंदर में भी क्या होगा दोस्तों एक ज्यादा से होगा ठीक है जिसके पास ये ज्यादा खनिज होंगे ऑब्वियस बात है उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्गर है लोग उसके साथ व्यापार करना चाहेंगे और डिप्लोमेटिकली भी उसके पास में एक एक, एक बेटर ग्राउंड रहेगा बाकियों के मुकाबले एनवायरमेंटल कंसिडरेशन के हिसाब से भी बेस्ट है यार है ना आप देखो ये सारे के सारे खनिज जो है हमें चाहिए होते हैं फॉर द ग्रीन ट्रांजिशन तो अगर ये अपने पास हैं तो पर्यावरण के हिसाब से भी दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं एन्वायरमेंट बिकॉज इसी से तो हम नेट जीरो की ओर जाएंगे ठीक है तो ये पढ़ लेना ठीक है ये सारे के सारे एक बार क्या करना पढ़ लेना आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबा है देखो ये जो चीजें है ना ये जर, मैं चाहता तो सिर्फ इतना अपन कर सकते थे स्टार्टिंग के अंदर बहुत छोटा बनता कि सरकार ने रॉयल्टी रेट को चेंज किया है इससे क्या होगा पहले ज्यादा था अब कम है तो भारत के अंदर में जो जो है खुद इंडिया के अंदर में डोमेस्टिक मार्केट डेवलप होगी फॉर द क्रिटिकल मिनरल है ना वी कैन लाइक इतना हम कर सकते थे इतना करके हम छोड़ सकते थे बट ट्रस्ट मी गाइज जब आपको लिखना होता मेन्स के अंदर बाई चांस अब जरूरी नहीं इस पर सवाल आ जाए बट हमें इसका मतलब ये भी तो नहीं है हमें तो अपना टॉपिक बेस्ट तैयार करना पड़ेगा ना एंड दैट्स वाई आई एम गिविंग यू दिस कॉन्टेंट ये सारा का सारा कॉन्टेंट मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब रिलेटेड सर्च पे सर मिनरल मिनरल सिक्योरिटी सिक्योरिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप अभी थोड़े दिन पहले हुई थी हमारी कितनों को याद है ठीक है ये जो पार्टनरशिप थी ये भी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर ही हुई थी इसके अलावा एटलांटिक डिक्लेरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको भी समझना है क्या है ठीक है ये दो चीजें हैं जो मैं चाहता हूं आप देख लें एक बार ठीक है इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पहले वाली है दैट इज़ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है दोस्तों बात आपको यार इतनी ख़राब हो गई हैं बस पूछो मत दो दिन तो मेरी आँख खुली भी नहीं इतना लाल लाल हो रखा था यहाँ से और अभी भी ज़बरदस्त खुजली मचती है दिख दिखाई देता नहीं है इसे जाले जाले से बन जाते हैं आँख में दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एलर्जी है ना? एलर्जी हो जाती है दो दिन तो मतलब जैसे ही मैं वहाँ खोल रहा था पानी गिर रहा था बढ़िया भयंकर वाला शनिवार इतवार मैच भी सुना है मैंने देख नहीं पाया मैं मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच जो आप कमेंट्री सुन रहे थे वो अभिषेक सर कर रहे थे टेलीग्राम चैनल पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों कैबिनेट की रिकमेंडेशन क्या है इसके बारे में दूसरा ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट क्या है दूसरा रॉयल्टी रेट क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं इनका महत्व क्या होता है और ये जो हमने रॉयल्टी रेट को कम किया है इसका महत्व क्या है दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच कैन बी आस्क ओके नाउ मेन स्पेसिफिक भी आ जाते हैं हाउ डू लोअर रॉयल्टी रेट फॉर द स्ट्रेटेजिक मिनरल इंपैक्ट कंट्रीज इकोनॉमिक कॉम्पिटिवेस एंड इट्स एबिलिटी टू अचीव सप्लाई चेन सिक्योरिटी फॉर द क्रिटिकल इंडस्ट्री अब देखो ये सवाल मैं दे दू रणनीतिक खनिजों के लिए कम रॉयल्टी दरें किसी देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा हासिल करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती है अब सोचिए अगर ये सवाल हम आपको दे दे और मैं उतना ही छोटा आपको पढ़ाता कि अब ऐसा ऐसा हो गया है जो मैंने बताया तो क्या आप इसको लिख पाते बट अब लिख पाओगे ठीक है अब लिख पाओगे तो आप कैसे सवाल को स्टार्ट करोगे सबसे पहले मैंने बताया इंट्रोडक्शन फिर होता है दोस्तों हमारा बॉडी एंड देन कम्स टू द कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे दोस्तों पहली बात हमारा जो कीवर्ड है वो है रॉयल्टी रेट तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दोगे रॉयल्टी रेट क्या होता है ठीक है इसके बारे में मेरे पास करंट अफेयर है हाँ सर है आप बताओगे कि सरकार ने कुछ तीन क्रिटिकल मिनरल है जिसका रॉयल्टी रेट फिक्स किया है एक तो आपका लिथियम तीन परसेंट न्योबियम तीन परसेंट और बाकी के जो रेयर अर्थ मिनरल है उनका क्या किया है दोस्तों वन परसेंट ऐसे आप बताओगे इंट्रोडक्शन हो गया आपका देन यू कम टू द बॉडी बॉडी में अब आप बताओगे क्या पूछा है ठीक है इसका पहला तो पूछा है सर इम्पैक्ट क्या होगा ठीक है आपको बताना है सर इंपैक्ट क्या होगा इसका इसके अलावा आपको बताना है कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ये होते क्या हैं वाई दीज आर सो इंपॉर्टेंट ठीक है ये क्या क्यों इतने इंपॉर्टेंट है और ये किस प्रकार से इंपैक्ट साथ साथ इनका जो हमारी सिक्योरिटी और जो क्रिटिकल इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट में किस प्रकार का इनका योगदान रहेगा है ना और कंक्लूजन में दोस्तों वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि क्या फायदे इससे भविष्य में हमें देख सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है तो वो जो मैंने बातें बताई है कि इससे डोमेस्टिक सेल्फ रिलायबिलिटी नेट जीरो वो सब होगा तो यू कैन राइट अ पॉजिटिव कंक्लूजन बेस्ड अपॉन दैट ठीक है अब देखो आराम से हो जाएगा जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप आराम से ईजिली आंसर को लिख सकते हो अगर आप प्रयास करो तो ठीक है नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा अच्छा दूसरा दोस्तों जो चाइना जिसके लिए हमेशा उछलता था ठीक है <coughs> पाकिस्तान जिसके लिए उछलता था चाइना आजकल आपको पता है चाइना के अंदर में स्लो डाउन आ रखा है पता है ना आपको चाइना का रियल इस्टेटेट बबल और चाइना के अंदर मतलब बड़ी बुरी हालत है अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो चाइना इज़ अ वेरी बैड स्टेट बहुत बैड स्टेट में उसकी इकॉनमी अब जब उसकी इकॉनमी अच्छी थी वो दुनिया भर की डेवलपमेंट का उसने ठेका उठा लिया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत में ठीक है पता होगा ना आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर का ठेका उठा लिया था दो पर्पज़ थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक तो रोड और रेलवेज के माध्यम से उसको ईस्ट एशिया और यूरेशिया से कनेक्ट होना था दूसरा उसको जो है साउथ एशिया और इधर से मरीन टाइम सिल्क रूट बनाना था और यूरोप के तहत में कनेक्ट होना था दो रास्ते बनाने थे उसको तो अब वो सारा का सारा जो मामला है उसका वो ठंडा पड़ गया ठंडे बस्ते में चला गया इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत में उसने चाइना के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम क्या था दोस्तों जिसका नाम था बेसिकली आपका ठीक है बेल्ट सॉरी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका पर्पज मैं आपको बताता हूँ पर्पज समझिएगा इसका पर्पज क्या था ठीक है यहाँ जिंग जिहांग था और इस जिंग जिहांग से भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए होते हुए होते हुए यहाँ पर ठीक है कराची के अंदर में एक पोर्ट था ग्वाधार पोर्ट ठीक है तो उसको कनेक्ट करना ये इसका उद्देश्य था ठीक है दिस इज इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था दोस्तों क्या ये भी बेल्टेड इनिशिएटिव का भाग था जिसका नाम था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका उद्देश्य था क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना रोड बनाना रेलवे बनाना हाईवे बनाना ब्रिज बनाना पावर सेक्टर डेवलप करना बिलियन ऑफ डॉलर जो है वो चाइना के चाइना ने इन्फ्यूज़ किए कहाँ पर पाकिस्तान में लेकिन अब चाइना पीछे हट रहा है ठीक है अब उसके कई सारे कारण हैं पहला तो कारण ये है कि खुद चाइना की खटिया खड़ी है भाई अभी तो है ना चाइना की खुद खटिया खड़ी है अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर में खुद से डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो जब चाइना के अंदर में खुद डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो भाई वो दूसरे देश का तो ठेका क्या ही उठाएगा समझ पा रहे हो आप बात को मेरी को तो एक तो बड़ी बात ये है इसके अलावा दोस्तों देखो पाकिस्तान के अंदर में स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट जो है कभी कोई आ जाती है दो साल तक कोई कोई ऐसी गवर्नमेंट शायद ही होगी जिसने पूरे पांच साल अपने किए हों पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर आर्थिक जो व्यवस्था है उनकी भाई चाइना आज ये बना रहा है ये फ्री में थोड़ी ना दे रहा है लोन दे रहा है उसको चाइना को ये भी तो चाहिए ना ये पैसा मेरा कभी तो भविष्य में जिंदगी में कभी तो वापिस आएगा अब उसको लग रहा है कि इनकी जो हालत है ठीक है ये आए दिन भीख मांगते हैं तो उनको लग रहा है कि भाई ये तो कभी लोन चुका पाएंगे नहीं ठीक है ये बात कन्फर्म है कि ये लोन चुका पाएंगे ही नहीं दैट्स फॉर श्योर ये इनको लगता है पता है मतलब इनको पहले से अब उसकी वजह से भी ये हो रहा है दूसरी बात तीसरी बात क्या देखो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न है कई सारे टीचर कई सारे इंजीनियर चाइना के कई सारे वर्कर जो हैं वो बम ब्लास्ट में मारे जाते हैं अटैक हो जाता है उनके ऊपर और पाकिस्तान इनको कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि पाकिस्तान ने ही तो ये चेले चपाटे पाड़े थे आतंकवाद का सरगना कौन है पाकिस्तान है ना तो उसने ही तो इनको जन्म दिया था अब वो कंट्रोल में उसके है नहीं तो ये सारे बड़े कंसर्न है जिनकी वजह से दोस्तों आज चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा खतरे में है और चाइना धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है कह रहा है भैया आम नहीं लगा रहे तुम्हारे देश में पैसा ठीक है बाढ़ में जाओ तुम लोग तो वो सब चीजें हैं तो ये टॉपिक आया हुआ है इज़ चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान स्लोइंग डाउन क्या भाई चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में क्या वो धीमे 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 करके कति कम हो रही है हाँ जी कम हो रही है जीएस पेपर दो ठीक है भारत और उसके नेबरहुड में क्या चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है चाइना के अब 10 साल पूरे हो रहे हैं बेल्टर ड्रोन इनिशिएटिव के उसने लॉन्च किया था बड़ी धूमधाम से 2013 के आसपास लॉन्च किया था और 10 साल हो गए अभी उसने 10 10 ईयर की एक, एक एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की है समझ में आ रही बात दोस्तों इन्वेस्टमेंट इंटू वन ऑफ द इनिशियटिव इनिशियटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर लुक्स टू हैव स्टॉल्ड तो दस साल तो भले ही पूरे किए इन्होंने अपने बेल्टेड इनिशियटिव के लेकिन ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये ठंडा पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो दो में साइन हुआ था दोस्तों ठीक है जिसके तहत चाइना ने कसम खाई थी कि हम पाकिस्तान के अंदर में बिलियन ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे निवेश करेंगे और इसका उद्देश्य क्या होगा रेलवे बनाना और रोड बनाना और बाकी के जो है पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना 2015 में हस्ताक्षरित हुआ था इसका उद्देश्य था रेल सड़क ये सब इन चीजों का विकास करना चीन करेगा विकास अरबों डॉलर का चीन ने इसमें वायदा किया था कि हम आपके यहां पे लगाएंगे उद्देश्य क्या था कि चाइना का एक जिंग जिहांग जो रीजन है चाइना का जिंगजिहांग जो रीजन है वहां से भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए ग्वाधार पोर्ट है जो कहां पर है दोस्तों अरेबियन सी के अंदर अरब सागर के अंदर उसको कनेक्ट करना ये 630 किलोमीटर का एक लंबा रास्ता था कराची वेस्ट कराची के अंदर में है ठीक है ग्वाधार पोर्ट उसको कनेक्ट करना अरब सागर से ये इसका उद्देश्य था किसका उद्देश्य था दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर है इसने ये भी कहा था कि ना केवल हम रोड रेल, रेलवे बनाएंगे बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैवी इन्वेस्ट करेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऊर्जा बुनियादी ढांचा जैसे आपके देश के अंदर हम चाहे वो कोल थर्मल पावर प्लांट हो चाहे जैसे पा, पाकिस्तान के अंदर में नदियाँ जाती हैं ना भारत की वो भारत से होके जाती हैं ठीक है थेके? इंडस रिवर सिस्टम तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि डैम वगैरह बना के तुम्हारा बिजली बिजली का सही काम बनवा देंगे तो ये उन्होंने वादा किया था ठीक है अब देखो अगर चाइना का अभी देखें तो अब चाइना जो है वो रिलेक्टेंस शो कर रहा है अब कह रहा है चाइना कि भैया हम और और नहीं कर सकते हम तुम्हें और नहीं पाल सकते हम इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के और प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं कर सकते अब इसके कई सारे रीज़न है पहला रीज़न तो क्या है दोस्तों खुद चाइना के अंदर में मारा है भैया चाइना के अंदर खुद मारा है ठीक है दूसरा इसमें कुछ पॉलिटिकल फैक्टर भी हैं क्या पॉलिटिकल फैक्टर है दोस्तों पहला तो चाइना के अंदर खुद स्लोडाउन आ गया उनके यहाँ पे रियल स्टेट की इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना बना के छोड़ दी बिल्डिंग अब अब वो बिक नहीं रही है ठीक है इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ी है उसमें तो माना जा रहा है चाइना भी स्लो डाउन में जा रहा है ठीक है दूसरा दोस्तों क्या है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर में ठीक है चाइना का खुद का स्लोडाउन है तो पूरा का पूरा जो ये प्रोस्पेक्ट था ग्रोथ का ये पूरा का पूरा प्रभावित हो रहा है पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ठीक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक अस्थिरता वहां पर कोई भी सरकार पांच साल अपने पूरे ही नहीं कर पा रही है तो इन सब को लेकर जो है ना वो चाइना <ख़िण> सॉरी इन सब को लेकर यार चाइना चिंतित है ठीक है दूसरी ओर क्या हो रहा है दोस्तों वायलेंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर में ठीक है वायलेंस है तो उसके जो चाइना के खुद के नेशनल नेशनल्स हैं उसके खुद के इंटरेस्ट हैं यार वो खतरे में आज रोड वोड बना रहे हैं चलो ठीक है कल को पाकिस्तान वाले बम लगा के उसको उड़ा देंगे ठीक है तो इसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है चाइना वालों को कि पाकिस्तान की सरकार जो है हमारे इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी प्रोटेक्ट करेगी है ना तो कई सारे रीजन है सिक्योरिटी फैक्टर्स पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इट हैज स्टॉप्ड मिलिटेंट अटैक अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मिलिटेंट अटैक को स्टॉप किया था चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर बलूचिस्तान बलुचि के अंदर 2021 में ऐसे ही ठीक no है तैतीस दो हजार तेईस के अंदर <laughs> में सुसाइड बॉम्बर ने किल कर दिया था एक टीचर को है ना 2033 लिख रहा हूँ कल को 2033 में सही में कोई सुसाइड बॉम्बर ने किसी को कराची में उड़ा दिया किसी टीचर को तो सारा इल्ज़ाम मेरे पे आएगा कि यही मास्टर है इसी ने प्लान किया है ठीक है इन सब चीज़ों से यार चाइना परेशान है यार कि यार तुम ये तो बचा नहीं सकते हमारे क्या तुम यार खाक करोगे क्या इन्वेस्टमेंट करें हम तुम्हारे इसमें ठीक है तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से अब चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्लो डाउन हो रहा है थोड़ा थोड़ा धीमा हो रहा है अब ये जो बेल्टेड रो, रोड इनिशिएटिव है सर ये क्या है आप समझिएगा ठीक है बेल्टेड रोड इनिशिएटिव एक मैसिव डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब चाइना के पास में बहुत अधिक ट्रेड सरप्लस हुआ उसके पास ऑब्वियस ही बात है चाइना की जो इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है उन्होंने बहुत एक्सपोर्ट किया बहुत माल भेजा दुनिया भर के अलग अलग देशों को माल बेचा और माल बेच के जो उनके पास फॉरेन करेंसी आई उनके पास इतना डॉलर था कि शायद अमेरिका के पास ना हो तो उन्होंने कहा कि अरे इस डॉलर का करें क्या तो उन्होंने क्या किया दोस्तों इस डॉलर को बाकी देशों को उधार देना शुरू कर दिया ठीक है जैसे जिसमें अमेरिका भी खुद भी शामिल था कि लो भाई तुम उधार लो ठीक है मेरे से उधार लो अब इसमें चाइना का क्या फायदा देखो इसमें चाइना का फायदा ये कि चाइना को सर जी इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर ब्याज मिलेगा एक तो तुम ऐसे ही पैसा तुम्हारा पड़ा है और कम से कम उस पर इंटरेस्ट तो मिल रहा है तुम्हें ब्याज तो मिल रहा है एक तो ये चीज़ दूसरा इसका बड़ा फायदा क्या था दोस्तों इसका दूसरा बड़ा फायदा ये था चाइना ने फिर इसके बाद में सोचा कि यार ये सिर्फ इतना करने से तो बात बनेगी नहीं थोड़ा सा कुछ और बढ़ बढ़ के करते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है सिर्फ पैसा देने से क्या होगा सिर्फ आपको ब्याज मिल रहा है लेकिन इन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में भी महारता थी भाई तो इन्होंने कहा अलग अलग देशों के कि एक काम करो तुम्हारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है रोड सड़क वड़क है नहीं तुम्हारे यहाँ पे ब्रिज है नहीं हमारे यहाँ पे इसकी महारता है तो हम एक काम करते हैं तुम्हारे यहाँ पे ये बना देते हैं अब वो देश बोले यार हमारे पास तो पैसा नहीं है पैसा कहाँ से लाएं चाइना कह रहा है चिंता मत करो लोन भी हम ही दे देंगे तो अब चाइना क्या कर रहा है दोस्तों अब चाइना अपनी ही चाइनीज कंपनियों के लिए रोज़गार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है एक देश को लोन दे रहा है और अपनी ही चाइनीज कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिला देता है तो डायरेक्ट अपनी चाइनीज कंपनियों को पैसा देने के अलावा वो उस देश के थ्रू घुमा रहा है उस देश को कर्जवान कर देता है जैसे अभी श्रीलंका में हमबं तोता पोर्ट के ऊपर हुआ है वो देश बेचारा डेट ट्रैप में फंस जाता है उसकी जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है चाइना उस उसमें पूरा आधिपत्य जमा लेता है तो फिर चाइना ने सोचा कि यार सिर्फ पैसा देने में मजा नहीं है जो डेट ट्रैप में फंसाने में जो मजा है पूरा तुम डेट में फंसा लो ठीक है भाई या तो अगला देश पैसा देगा नहीं देगा तो उस पोर्ट को लीज पे ले लो जैसे अम्बन तो था पोर्ट कब चाइना ने लीज पे ले लिया कह रहा भैया तुमने हमारा लोन चुकाया नहीं अब ये पोर्ट हमारा हुआ है ना तो ये फिर उस देश की सिक्योरिटी के लिए भी क्या है दोस्तों खतरनाक है और बाकी जैसे भारत देश के लिए भी वो खतरनाक है है ना समझ रहा मेरी बात तो वो एक बड़ी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है दोस्तों ठीक है तो ये हमने आपको बताया तो बेल्टेड रोड इनिशिएटिव एक मैसिव इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको 2013 में शुरू किया था इसमें दो इंपॉर्टेंट भाग है ठीक है दो इंपॉर्टेंट भाग क्या है इसको हम बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो बेल्ट का मतलब क्या है बेल्ट का मतलब है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे रोड और रेल का और इसके माध्यम से ये चाइना को कनेक्ट करेंगे यूर, यूरेशिया से यूरोप ईस्ट एशिया और यूरोप से रोड के माध्यम से ठीक है <coughs> दूसरा है बेल्ट एंड रोड अब यहां पे जो रोड का मतलब है ये रोड का मतलब है मरीन टाइम सिल्क रूट बनाएंगे मरीन टाइम मतलब समुद्र तो ये चाइना को चाइना बेसिकली ईस्ट एशिया में आता है तो उसको साउथ ईस्ट एशिया से साउथ एशिया से ठीक है कनेक्ट करते हुए ऐसे इंडियन ओशियन अरब सागर ऐसे अफ्रीका और अफ्रीका से फिर कहां पे यूरोप में ये इनका पर्पज था ठीक है ये इनका क्या था दोस्तों उद्देश्य था ये दो उद्देश्य थे इनके जो मैंने आपको बताया देखो साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया एशिया अफ्रीका यूरोप ये रस्ते पानी वाला रास्ता था रोड ठीक है जिसका उद्देश्य है था मरीन टाइम रूट बनाना बेल्ट का मतलब मैंने बता दिया जिसके माध्यम से दोस्तों वो चाइना को यूरोप से जोड़ना चाहते थे वाई सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट ठीक है ये बात थी बी जो है इसका उद्देश्य क्या था बी का बैंक बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव का उद्देश्य था इकोनॉमिक ऑपरेशन ट्रेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना ठीक है अलग अलग जो है यहां पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना एनर्जी प्रोजेक्ट बनाना ये सब इसका उद्देश्य था ठीक है अब इसको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला था मैंने बताया था दोस्तों इसकी बहुत निंदा भी हुई अलग अलग देशों में ये बोला गया कि यार ये बहुत ख़राब है और ये जो डेट दे रहे हैं जो लोन दे रहे हैं वो बहुत अस्थिर कर देगा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तो उस पर बहुत चिंताएँ जो हैं यहाँ पर रखी गई थी वो भी एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी अब इसी का एक भाग था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ठीक है ये बताइए समझ में आया आपको या नहीं आया समझ में आया या नहीं आया दोस्तों एक बार फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर ओके की रिपोर्ट करके सर आप जोग्रफी ऑप्शनल का कोर्स कब कर स्टार्ट करोगे मुस्कान जोग्रफी ऑप्शनल का कोर्स ऐप पे आएगा देखो मैं पहले बता देता हूँ आई एम वेरी मच वेरी क्लियर अबाउट दिस जोग्राफी ऑप्शनल विल बी लॉन्च ऑन द ऐप ठीक है नेक्स्ट वीक से वी आर स्टार्टिंग वी आर प्लानिंग टू तो स्टार्ट आ, सम क्लासेस ऑन द यूट्यूब ठीक है हम कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास कराएंगे कुछ बेसिक क्लास कराएंगे बट uh, जो मेजोरिटी ऑफ द कोर्स है जो प्रॉपर कोर्स है दैट विल कम ऑन द ऐप ठीक है वो ऐप पे ही आएगा आपका दैट विल बी द पेड कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अक्टूबर अभी अक्टूबर चल रहा है ना नवंबर स्टार्टिंग के अंदर में मैं, मैंने आपको बताया था कि वी विल लॉन्च दैट कोर्स तो नवंबर फर्स्ट से आप मान के चलो हमारा कोर्स आ जाएगा ऐप के ऊपर ठीक है अभी वो ऐप वगैरह का ना बहुत लोचा चल रहा है यार लोचा इन द सेंस ठीक है उसको टेस्ट वेस्ट करना कई है सेलेक्ट करना नाम वाम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मेल आईडी डोमेन नेम बहुत फंडे हैं यार और उसके बाद में क्लास भी होती है तो अभी उस चीज़ों में थोड़ा सा व्यस्त है अब प्रॉपर या तो दो चार दिन की छुट्टी ले कर काम करना पड़ेगा ठीक है या कुछ क्लासेस कम करना बट अभी चीज़ें हैं वो होनी है आपका एक नवंबर को आपका कोर्स आ जाएगा ऑप्शनल का दैट्स मतलब हंड्रेड परसेंट मुझे लग रहा है ऐसा ठीक है श्योर है और कोर्स जो आएगा दोस्तों वो ऐप पे आएगा समरीन पॉलिटी की प्लेलिस्ट है मैंने खुद बनाई है तो आप ऐसा नहीं कह सकते ठीक है आप ढंग से जाइए पॉलिटी उसमें देखिए आप ठीक है है मैंने खुद बनाई है पॉलिटी की प्लेलिस्ट मैंने खुद अपने हाथ से तैयार की है तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि नहीं है प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाइए प्ले वाले सेगमेंट के अंदर में आपको जो मोर का ऑप्शन है ना प्ले में और दो दिखेगी उसमें बाकी मोर में जाके आप करेंगे आप मतलब कह ही नहीं सकते हैं बात मैं खुद प्ले बनाने वाला हूँ पहले तो अलग होता था पता नहीं कौन बनाता था बनाता भी था कि नहीं बनाता था बट अभी तो मैं प्ले खुद बनाता हूँ देखो ये फ़ोन है मेरा ठीक है इसमें प्ले के ऑप्शन में जाता हूँ अभी दिखा ही देता हूँ आपको ऐसा आप कह ही नहीं सकते हैं अभी कि नहीं है ठीक है दिस इज़ माई फोन दिख रहा है अभी नहीं दिख रहा होगा ना तो ये प्ले के ऑप्शन में जाऊँगा मैं ठीक है ये देखिए अभी इस पर जाना पड़ेगा ये नीचे लिखा ना है बटाना है इस पर आप जाओगे तो देखो ये मॉडर्न इंडिया की है ये पॉलिटी की देखो ये री प्ले प्लेलिस्ट, पूरी प्ले है इसके ऊपर ठीक है सारे के सारे लेक्चर पॉलिटी के यहाँ हैं एवरी वन एवरी सिंगल लेक्चर इज हेयर ठीक है तो अब बात करते हैं रिलेटेड सर्च में चाइना पाकिस्तान रिलेशन और भारत का रुख क्या है इसके ऊपर इंडिया का स्टैंड क्या है चलिए में सर क्या पूछा सकता है चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर में क्यों कम हो रही है भाई बेल्ट एंड सी पैक क्या होता है भारत को क्या नाराजगी है तो ट्रेडिशनल टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए ठीक है बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है जो हमेशा न्यूज में रहता ही है चर्चा में रहता है अभी 2015 से न्यूज में है ये टॉपिक हाउ हैज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कंट्रीब्यूटेड to the economic development and regional connectivity in Pakistan and its impact on the border broader border belt and road initiatives तो ये आपको बताना है अब ये थोड़ा सा आपको चाइना और पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से सोच के लिखना है और तब भारत के ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या होंगे वो आपको बताने हैं ठीक है बहुत मतलब इजी टॉपिक होता है ये टॉपिक है हमारा दोस्तों दिस इज बेसिकली आवर थर्ड टॉपिक जिसमें मैंने बैगा ट्राइबल ग्रुप के बारे में बताया था तो ये अगर आप पिछली क्लास देखोगे तो इसमें हो चुका है तो ये इसमें भी गलती से ऐड हो गया था हमारे जो है पीपीटी मास्टर रंजीत के द्वारा कोई बात नहीं बायगा ट्राइबल ग्रुप गेट्स हैबिटेट राइट इन द छत्तीसगढ़ तो ये मैंने आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर में आप जाके देखोगे तो इसके ऊपर में दो आपके क्या हैं आपके पास दो इसके ऊपर टॉपिक है पी जी के ऊपर अलग से टॉपिक मैंने कराया है तो उसको देख लेना पिछली पीपीटी में आपको मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों वाइट फॉस्फोरस के बारे में देखो यार दोस्तों ऐसी एलिगेशन है कि अभी जो इसराइल और हमास के बीच में जो एक युद्ध चल रहा है ठीक है इस इजराइल और हमास के इस युद्ध के अंदर में माना जा रहा है जो इसराइल है वो वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है और वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करना जो है वो यूएन कन्वेंशन के अगेंस्ट है क्योंकि वाइट फास्फोरस जो है ना सफ़ेद फास्फोरस जो है बहुत ही पंजेंट स्माइल स्मेल आती है इसके अंदर जैसे लहसन के अंदर आती है ना लहसुन के अंदर ऐसी पंजेंट स्मेल इसके अंदर से उत्पन्न होती है दोस्तों और आप मान के चलिएगा इससे ऐसे फ्यूम जनरेट होते हैं ऐसे बादल सफ़ेद टाइप के और एकदम बहुत ब्राइट होता है ये जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तुरंत आग पकड़ लेता है और इससे ना बहुत तगड़ा टेम्परेचर डेवलप होता है मतलब लगभग साढ़े आठ सौ डिग्री सेल्सियस मतलब आपने वाइट पासफोरस डाल दिया कहीं पे तो वो बहुत ब्राइट लाइट के साथ में जड़ता जलता है तापमान साढ़े आठ सौ डिग्री तक हो जाता है ठीक है जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है रिएक्टेबल होता है रिएक्शन होती है उसमें अब उससे आदमी का अगर सपोज कोई आदमी अगर चपेट में आ गया साढ़े आठ सौ डिग्री सेल्सियस बहुत डीप बर्न होते हैं मरता है आदमी और बहुत पेनफुल डेथ होती है उसकी तो इसीलिए दोस्तों इसका बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है अमेरिका ने इसका, इसका, इसका इस्तेमाल किया हुआ है इराक के अंदर यूक्रेन में इसका इस्तेमाल किया है रशिया ने अभी ऑन यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में वर्ल्ड वॉर वन टू के अंदर में ब्रिटेन ने इसका इस्तेमाल किया था आयरलैंड की जो सेना आयरिश सेना जो है उन्होंने इस आग का इस्तेमाल किया था उसको तो बहुत फेमस फैनिश फायर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है लेकिन बाद में यूएन ने इसको बैन कर दिया था कि भैया ये बहुत दर्दनाक मौत देता है लोगों को ठीक है इससे ना केवल मिलिट्री वाले लोग ठीक आर्मी पर्सन बल्कि इससे जो बाकी के सिविलियन है जो उसको कॉन्टेक्ट में आते हैं चपेट में आते हैं वो बहुत मरते हैं बुरी तरीके से मरते हैं ठीक है इसका इस्तेमाल किया जाता है यूजली किसके लिए दोस्तों किसी टारगेट को अंधेरे में टारगेट को लोकेट करने के लिए पहली बात दूसरा यह ओपोनेंट को बहुत भारी क्षति पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ़ अ केमिकल और इसका यूज करना जो है वो गुनाह है मतलब बंद है लेकिन फिर भी इसको यूज करते हैं और इसीलिए इसको कहते हैं इसको यूज करने में वॉर क्राइम होता है दोस्तों एक बार यार जल्दी से अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए देखो मुस्कान मैं आपको बताता हूँ इनिशियली जो सारा का सारा लेक्चर होगा वो पूरा कंप्लीट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको पहली बात बता दूँ एंड बाइलिंगवल भी रहेगा मैं बाइलिंगवल भी पढ़ाता हूँ दूसरा प्योर हिंदी में भी आएगा बट प्योर हिंदी में इट विल टेक टाइम ठीक है वो आएगा मान के चलो आप दिसंबर जनवरी के आसपास ठीक है वो अभी नहीं आएगा प्योर हिंदी में भी वी विल लॉन्च बट राइट नाउ आप मान के चलिए पढ़ाऊँगा मैं बाइलिंग्वल ही बट जो कॉन्टेंट होगा मेटीरियल होगा दैट विल बी गिवन इन द इंग्लिश ठीक है हिंदी में अभी हम स्टार्ट करेंगे बट दैट वी विल डू आफ्टर इंग्लिश अब देखिए ये आया हुआ टॉपिक है दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग इट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइट फॉसफोरस तो अभी कई सारी फोटो सोशल मीडिया वगैरह वगैरह से पता चल रहा है कि इसराइल गाजा पट्टी के ऊपर में सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर में फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसको व्हाइट फास्फोरस एक वैक्सी येलोइ टू क्लियर केमिकल है जिसकी बहुत पंजेंट स्मेल होती है लहसुन जैसी स्मेल आती है इसके अंदर बहुत कम्बस्टाइल है जैसे ही आप इसको हवा में ले जाओगे इट विल बर्न वेरी क्विकली बहुत ब्राइट एयर के साथ जैसे ही एक्सपोज करते हो जलने लगता है 815 डिग्री का तापमान जनरेट करता है और भैया इसे बहुत भयंकर किस्म का नुकसान होता है ठीक है आप सोच लो इट इज यूजअली यूज इन इनसेंड्री इनसे वेपन ठीक है आप मान लो इसका उपयोग जो है वैसे बंद है ठीक है बट कई सारी मिलिट्री ने इसका इस्तेमाल किया है जैसे यूनाइटेड स्टेट ने किया था इसके कई सारे पर्पज होते हैं पहला होता है किसी टारगेट को इल्यूमिनेट करने के लिए रात में कोई टारगेट है क्योंकि बहुत ब्राइट रोशनी करता है तो उसको इल्यूमिनेट करने के लिए या जो एनिमीज है उस पर बहुत भारी इंपैक्ट डालने के लिए उस पर हैवी इन्फ्लिक्ट डैमेज इन्फ्लिक्ट करने के लिए दुश्मन के खिलाफ उसको भारी नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सर व्हाट विल बी द इंपैक्ट इसके प्रभाव क्या होंगे देखो व्हाइट फॉस्फोरस जो है इसको जाना जाता है इट्स यूज इन इंसेंडरी वेपन इन द मिलिट्री ऑपरेशन सफेद फॉस्फोरस का सैन्य अभियानों में आग लगाने वाले हथियारों के रूप में उपयोग किया जाता है व्हाइट फॉस्फोरस जो है ना इट कैन कॉज फास्ट मूविंग एंड वाइड स्प्रेड फायर ठीक है आप मान के चलिए दोस्तों इससे बहुत भयंकर किस्म की आग लगती है बहुत तेजी से आग फैलती है जो व्हाइट फास्फोरस है तेजी के साथ जैसे ही वो हवा के कॉन्टेक्ट में आता है वो जलने लग जाता है बहुत टॉक्सिक फ्यूम इससे जनरेट होता है दोस्तों इससे फास्फोरस पेंटो गैस जो है वो रिलीज होती है जो बहुत हार्मफुल होती है आदमी के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी खतरनाक होती है दोनों के लिए अरे ये बकवास है यार तीसरा युद्ध ये बकवास है ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ कैटर कैटर करने के लिए आपको बताया ना आपको यूट्यूब भी ये सब पढ़ाना यूट्यूब आजकल एक धंधा है आप मान के चलिए पढ़ाया नहीं जाता है यहाँ पर एक धंधा भी है पढ़ाया भी जा रहा है धंधा भी है ठीक है जिसमें आपको ऐसे ऐसे थमनेल जो होते हैं ना थमनेल समझते हो ना थमनेल जो दिखता है आपको ठीक है जो लेक्चर के ऊपर दिखता है ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होती है ठीक है कई लोग है क्लिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं मैंने देखा है बहुत सारे लोग करंट अफेयर के ऊपर ना लिख देंगे करंट अफेयर उसके ऊपर एक ऐसा फोटो लगा देंगे कि आदमी हम तो जिज्ञासा है ना हमारे अंदर तो हम तो उस पर क्लिक करके देखेंगे क्या है ये और ये सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए होता है कि आपके व्यूज आए लोग उस पर क्लिक करें ऐसे लिए टाइकल होते हैं तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत ये बताओ यूक्रेन रशिया वॉर के समय से तीसरा विश्व युद्ध हो रहा था आज तक तो हुआ नहीं है रशिया और यूक्रेन का जब हुआ तो तो अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा कमाल करते हो यार एक तरफ रशिया था दूसरी तरफ वेस्ट था पूरा पूरा वेस्ट है तब विश्व युद्ध नहीं हुआ और अब विश्व युद्ध हो जाएगा नाटो के साथ सीधा टकरा रहा था रशिया ये सब बकवास की बात है तीसरा विश्व युद्ध आए दिन ऐसे तीसरे विश्व युद्ध होते हैं कल को चाइना पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी तो भी तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट होता है बॉर्डर के ऊपर तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ये होते रहेंगे विश्व युद्ध ठीक है यूट्यूब पर इस प्रकार के विश्व युद्ध होते रहेंगे मैं आपको बता रहा हूं ठीक है हाँ हकीकत में ऐसा विश्व युद्ध मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे किसी को देखने को मिलेगा ठीक है क्योंकि उस समय विश्व युद्ध में सिर्फ एकमात्र युद्ध की समाप्ति कब हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ था जब यो सीमा नागा साकी पर बम गिराया था न्यूक्लियर बम गिराया था जापान उसकी कमर टूट गई थी उसके बाद जब विश्व दुनिया के अंदर में जब परमाणु हथियार आ गए थे ना तो उसके बाद में दुनिया ने कसम खा ली ये युद्ध बुद्ध नहीं करेंगे तभी यूएनओ डब्ल्यू एच ओ यूएनओ वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सब दुनिया भर की चीजें बनी थी ठीक है ये इसीलिए तो बने थे पहली बात तो फिर यूएनओ का मतलब वो युद्ध रोकने के लिए बैठा है ऑल्दो वो रोकता नहीं है वो हमेशा लड़ाई लगवा देता है यूएनओ से आज तक कोई भी मामला सुलटा नहीं है तो ये नहीं हो सकता भैया आज न्यूक्लियर पावर है देश अलग अलग देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो मैं पता है इसराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन रखा बैठा है इसराइल ठीक है अगर कल को युद्ध शुरू होता है और उसके अस्तित्व पे बात आती वो एक परसेंट नहीं सोचेगा पूरे ईस्ट एशिया को तबाह कर देगा वो एक मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर जब सात सात छः देश मिलके उसका कुछ ना उखाड़ पाए ठीक है सेवन डे वॉर के अंदर सबको उसने हरा दिया तो तुम्हें लगता है कि अब कोई कुछ कर लेगा उसका ये हमास जो टेररिस्ट एक संगठन है वो कुछ कर लेगा कुछ नहीं लेकिन हाँ लोगों को वहां पर नुकसान होगा दोनों तरफ कहूंगा मैं चाहे वो इसराइल के हो चाहे वो चाहे वो फिलिस्तीन जो हैं उसके हों दोनों को इससे नुकसान होगा भारी ठीक है लोग अपनी राजनीति करेंगे रोज़ अपना एजेंडा सेकेंगे जैसे यूक्रेन में हुआ था बट नुकसान लोगों को होगा उसकी भरपाई लोगों को करनी पड़ेगी दोनों साइड के जो आम जनता के लोग हैं उनको ये ठीक है विश्व युद्ध नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा ये चीज़ें आपको इंटरेस्ट देती हैं आपको मज़ा आता है इसीलिए आपको पढ़ाई जाती है ठीक है इन द वॉर इसको इस्तेमाल किया जाता है पहली बार माना जाता है दोस्तों इसका इस्तेमाल अठारह में हुआ था और ए आयरिश नेशनलिस्ट ने इसका इस्तेमाल किया था ब्रिटिश फोर्स के ऊपर अंग्रेजों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया था आयरिश नेशनलिस्ट ने तो इसको बहुत फेमसली जाना जाता है फेनाइन फायर के नाम से ठीक है उस समय इसको फेनाइन फायर के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर में इसको इस्तेमाल किया दोनों में उसके बाद में ईरान इराक के अंदर में जो इराक का इन्वेज इन्वेजन किया था इसने यूएस ने वहां इसका, इसका इस्तेमाल किया रशियन आर्मी ने अभी इसका इस्तेमाल किया है फॉसफोरस का कहाँ पर दोस्तों अभी यूक्रेन के अंदर में ठीक है सब का इस्तेमाल हुआ है अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट इंसेनेडरी वेपन आग लगाने वाले हथियारों के बारे में तो व्हाट इज दिस इंसेंडरी वेपन इंसेंडरी वेपन जो होते हैं जिस टाइप ऑफ म्यूनिशन स्पेसिफिकली डिजाइन टू स्टार्ट फायरस एंड कॉज डैमेज थ्रू द इग्निशन एंड इम्फ्लेबल मटीरियल इसी कॉम कहते हैं इंसेंडरी वेपन मतलब जिनसे आग लगती है यार इन वेपन का इस्तेमाल बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशन में किया जाता है ठीक है ताकि जो विपक्षी है आपके विपक्ष में जो खड़ा है उसको भारी नुकसान पहुंचाया जा सके इसका इस्तेमाल पर रिस्ट्रिक्शन उन्नीस सौ बहत्तर में यू एन ओ ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और कहा था यार ये कैटेगरी जो है ये वेपन की जो कैटेगरी है इंसेंडरी वेपन की कैटेगरी ये खतरनाक है ये वेपन ऑफ हॉरर है तो इनको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे 1980 के अंदर में वर्ल्ड एग्री हो गया ठीक है भैया इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इससे बहुत पेन और नुकसान होता है सिविलियंस को तो अभी प्रोटोकॉल तीन ऑफ दिस एग्रीमेंट के तहत में ये रिस्ट्रिक्टेड है इनका इस्तेमाल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है, है? इसराइल फलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी ऑलरेडी नो ठीक है एक क्लास हो चुकी है अभिषेक सर ने ली है बहुत अच्छी क्लास थी अब उसके बाद की और भी क्लासेस उसके अंदर वो दो तीन क्लास और करने वाले हैं शायद आज करें या कल करें देखते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ठीक है यू इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों ठीक है आपको देखना है पढ़ना है प्रोलिम्स में फास्फोरस क्या होता है वाइट फास्फोरस ये जो इंसेंडरी वेपन होते हैं ये क्या होते हैं फेनाइन फायर क्या होती है दीज थिंग्स कैन बी आस्क टू यू हाउ डज द यूज ऑफ वाइट फास्फोरस इन द वॉरफेयर कंप्लाई विद द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड इट्स रेगुलेशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट हार्म सिविलियन एंड एनवायरमेंट ड्यूरिंग दर्मड कॉन्फ्लिक ठीक है इसके बारे में हमें लिखना है वही सब बातें जो मैंने अभी बताई है यू जस्ट है अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं दोस्तों जो कैशू हैजू जो है गोवा के काजू उनको भैया जी आई टैग मिल गया है ठीक है मैं आपको बताऊंगी यार ये जो काजू हम आज गोवा के अंदर में जो काजू का प्लांटेशन होता है ना आजकल काजू का तो इनिशियली आप मान के चलिए जो ये प्लांटेशन था काजू जो लगाया जाता था इसको यार एक बेसिकली एफॉरेस्टेशन क्रॉप के रूप में लगाया गया था एफॉरेस्टेशन समझते हो जंगल कट गए पेड़ कट गए अब उसको दोबारा से वहाँ पे पेड़ लगाने के लिए पुर्तगाली इसको लेके आए थे इट्स नेटिव टू द ब्राज़ीलियन ब्राज़ील में पेड़ पाया जाता था वहाँ से हम इसको यहाँ लेके आए हमें नहीं पता था इससे ये फ्रूट भी लग जाएगा इसमें काजू इस, इसका इतना महत्व होगा हो हमें नहीं पता था इसको लगाया इसलिए गया था फॉर द एफोरेस्टेशन पर्पज कि जो पेड़ कट रहे थे ना भैया उनका भरपाई करने के लिए इसको लगा बाद में पता चला कि ये तो काजू है और ये जो देख रहे हो आप ये इससे फिर शराब बनाई जाती है जिसको फैनी कहते हैं काजू की फैनी गोवा के अंदर में बड़ी फेमस है फैनी तो वो बनाई जाती है तो वो बाद में पता चला ठीक है कब चला बाद में तो वट द जी आई टैग कैन मीन फॉर द कैशू इंडस्ट्री इन द गोवा तो गोवा कैशू गॉट द जियो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जी आई टैग इसको मिल गया तो इनिशियली मैंने बताया नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील उत्तर पूर्वी ब्राजील से हम इसको लेके आए थे uh, काजू है, है पुर्तगीज इसको लेके आए थे यहाँ पर सोलवी शताब्दी में स्पेसिफिकली बताऊँ तो 1570 के अंदर जो पुर्तगाली थे वो इसको यहाँ लेके आए थे एप्लीकेशन जो है जी आई टैग का अब इसको बहुत फायदा होगा ठीक है क्यों होगा फायदा बताओ दोस्तों इसका नाम भी पुर्तगाली नाम था काजू उससे पड़ा था ठीक है कोंकणी में काजू कहते हैं और उसमें काजू सी ए जे यू कहते हैं ठीक है इसको पहली बार जब इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसका पर्पज था एफोरेस्टेशन वनीकरण करना दोबारा से ठीक है इसका शुरुआत के अंदर में जब इसको लेके आए थे तो इसका उद्देश्य था वनीकरण करना साथ साथ में दोस्तों इसको मिट्टी के संरक्षण के रूप में इस्तेमाल किया गया था बाद में पता चला कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है भैया इससे इसका जो है नट है उसको हम खा सकते हैं बहुत ही ये हमें एक शताब्दी के बाद में पता चला ठीक है जब हम इसको ले आए थे उसके बाद हमें पता चला अब इससे फायदा क्या होगा दोस्तों गोवा की काजू इंडस्ट्री को जीआई टैग का देखो यार अब पता चल जाएगा कौन सा काजू जो है वो गोवा का है और कौन सा काजू गोवा से बाहर का है अब जो काजू गोवा का है उसको क्योंकि उसको गोवा का जीआई टैग मिल गया है तो उसका एक वैल्यू हो जाएगा उसका एक प्राइस हो जाएगा जैसे कहते हैं ना दार्जिलिंग टी तो पता दार्जिलिंग की है जी टैग है अब हर आदमी उसको ये नाम दे नहीं बेच सकता कि ये दार्जिलिंग टी है चप्पल होती है ना कोल्हापुरी चप्पल अब आप किसी भी चप्पल को ये नहीं कह सकते कोल्हापुरी चप्पल क्योंकि उसको जी टैग मिल गया है ठीक है इससे यार ना केवल उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है और उसके जो भी प्रोड्यूसर और ग्रोवर है उनको भी फायदा वहां पर होता है ठीक है तो वही सब फायदा यहां पर गोवा को भी यहां पर मिलने वाला है ये जीआई टैग क्या होता है दोस्तों ये एक एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का दोस्तों जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रेफर करता है ये बताता है कि ये प्रोडक्ट किस ज्योग्राफिकल टेरिटरी से पैदा होता है वहां से बनता है वहां से आता है तो इसका एक सिग्निफिकेंस है वहां की ज्योग्राफिकल टेरिटरी के आ, साथ में ठीक है दूसरा इट इज रेफरिंग टू ए कंट्री और अ प्लेस सिचुएटेड देर इन एज बींग कंट्री ऑफ द प्लेस और ओरिजन ऑफ द प्रोडक्ट ये बताता है मैंने बताया ओरिजिन बताता है किसी का प्रोडक्ट का कहाँ है टिपिकली सच आम कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी एंड डिस्टिंग विच इज इजेंसिल एट्रीब्यूटेबल टू द फैक्ट ऑफ हिस्स ओरिजन इन दैट that डिफाइंड geographical locality, रीजन and द कंट्री है ना आर्टिकल one, two और ten ऑफ द Paris कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंडस्ट्रियल प्रोपर्टी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये इसी के अंदर में कवर किए जाते हैं के अंदर आर्टिकल one के अंदर one और ten के अंदर ठीक है ट्रिप्स के अंदर में भी आता है आर्टिकल बाईस और चौबीस के अंदर आगे बात करते हैं दोस्तों माइग्रेटरी बर्ड्स अराइव्स इन चिल्का देखो अभी टाइम चल गया है किसका दोस्तों अक्टूबर नवंबर है ना अब देखो भारत के उत्तरी भारत कह रहा हूँ उत्तरी महाद्वीप के अंदर सॉरी उत्तरी महाद्वीप कह रहा हूँ उत्तरी गोलार्ध के अंदर में जो पोल के पास में एरिया है जैसे स्पेशली रशिया वहाँ ठंड होने लगी है काफ़ी अच्छी खासी और अब वहाँ पर कुछ समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी साइबेरिया वाला जो इलाका है तो रशिया का वो जो साइबेरियन इलाका है ईस्ट रशिया ईस्ट साइबेरिया वहाँ पर ठंड ज़्यादा होने की वजह से पक्षी वहाँ से माइग्रेट करने लग गए हैं और वो माइग्रेट करके किधर आने लग गए हैं दोस्तों वो एशिया साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया इधर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ ठंड कम होती है ठंड से बचने के लिए ठीक है और ये हर साल होता है एनुअल होता है और इस पक्षियों का एक बड़ा समूह जो है ये अपनी पूरी ठंड का समय जो है वो चिल्का लेक पे बिताता है जो कि लार्जेस्ट लेगून है ठीक है एशिया की लार्जेस्ट लेगून है तो चिल्का लेक के ऊपर में वो अपना समय बिताते हैं तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो हमें चिल्का लेक पे दिखे हैं कईयों का मानना है कि ये जो माइग्रेशन हुआ है ये बहुत थोड़ा जल्दी हुआ है तो क्या ये क्लाइमेट चेंज को दिख दर्शाता है वगैरह वगैरह वो सब बातें हैं दैट इज डिफरेंट थिंग वी विल डिस्कस इट लेटर माइग्रेटरी बर्ड्स अराइव इन द उड़ीसा चिल्का बिफोर विंटर सर्दी शुरू होने से पहले ही आ गए तो क्या ये क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करेंगे हम ठीक है तो वो तो खैर क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है भाई लेकिन हम जो देखेंगे वो हम इस पैटर्न के बारे में देखेंगे माइग्रेटरी बर्ड जो है वो हमेशा आती है इंडिया का जो लार्जेस्ट हमारा वाटर बर्ड हैबिटेट है उड़ीसा के अंदर में चिल्का लेक हर साल विंटर के अंदर में यहां पर बहुत भारी मात्रा के अंदर में पक्षी आते हैं अप्रॉक्सीमेटली अभी अगर आप देखोगे तो 50 पक्षी जो हैं यहां पर देखे गए हैं जिसमें डक वीगन आपका वीगन स्पीसीज ये सब हैं ठीक है कहाँ पर देखे गए हैं ये आपका जो चिल्का लेक है उसके बीच सेंटर के अंदर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं आपका नलाबन्ना बर्ड सेंचुरी जिसका टोटल जो है एक ब्लू लेगून के बिल्कुल सेंटर के अंदर में बर्ड सेंचुरी हमारी स्थित है तो यहाँ पर लगभग लगभग अभी हमने 50 माइग्रेटरी बर्ड जो है वो हमने ऑब्जर्व किए हैं देखे हैं पिछले साल विंटर के अंदर यहाँ पर आप मान के चलो ग्यारह लाख इकतीस हजार पक्षी आए थे हर साल आते हैं अलग, अलग 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 स्पीसीज के आते हैं इस एरिया में आते क्यों हैं दोस्तों बताओ ये सर क्योंकि वहां ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो यहाँ जाते हैं पक्षी माइग्रेट करते रहते हैं ना ठीक है अब इनके अवेयरनेस जल फैलाने के लिए इनके बारे में बताने के लिए कैंप वैम्प सरकार ने लगाने शुरू कर दिए हैं एक अक्टूबर से कैंप लगने स्टार्ट हो गया और अभी चलेंगे मार्च तक ताकि यार लोगों को अवेयरनेस दी जा सके इन पक्षियों के प्रिवेंशन के अंदर कोई इनका शिकार ना करे है ना आसपास के गाँव के अंदर लेक के आसपास तो ये हम करना हमने शुरू कर दिया है अब बात करते हैं सर चिल्का लेक के बारे में देखो जो चिल्का झील झील है ना चिल्का लेक जो है ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर लोकेटेड है भारत के पूर्वी तट पर लोकेटेड है किस स्टेट में है आपको बता दिया मैंने उड़ीसा के अंदर इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून सबसे बड़ी तटीय लेगन है दोस्तों दुनिया की ठीक है और यहां पर बहुत वेराइटी के माइग्रेटरी बर्ड माइग्रेटरी बर्ड समझते हो ना दोस्तों आप प्रवासी पक्षी जो है वो यहां पर आते हैं प्रवासी पक्षी मतलब मैंने बताया एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जाते हैं वो यहां पे रुकते हैं ठहरते हैं समझ में आ रही बात अब ये इंपॉर्टेंस है दोस्तों किसका चिल्का लेक का कि इंपॉर्टेंट क्यों है पहली बात बायोडाइवर्सिटी चिल्का लेक जो है उसकी रिच बायोडावर्सिटी है क्योंकि हर साल यहाँ पर बहुत सारे पक्षी जो हैं बड़ी मात्रा के अंदर में प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं और चिलकल एक उसकी मेजबानी करता है ये जो बर्ड्स हैं दे रिप्रेजेंट वेरियस स्पीसीज जिसमें वाटर फाउल वेडर शोर बर्ड कई सारी पक्षी आते हैं इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो सीजनल माइग्रेशन के लिए ज़रूरी है जानी जाती है हर साल पक्षी जो है विंटर के अंदर में विंटर के महीनों में यहाँ पर आते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च के अंदर में वो यहाँ पर आते हैं ये उनके लिए खाना वाना ब्रीडिंग ग्राउंड सब वो यहाँ पर ठीक है अरेंज होता है मतलब आप सोचो अभी हार्श विंटर है नॉर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर स्पेशली जो पोलर एरिया है वहाँ से तो ये पक्षी वहाँ से अभी इधर आ जाते हैं और इधर रह के बढ़िया आराम से ये अपना जिंदगी का भी ये समय जो है वो व्यक्त करते हैं यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज़ पाई जाती है चिल्का लेक में सो दीज आर सम लाइक कुछ चीज़ें रामसार साइट भी चिल्का लेक एक डेजिग्नेटेड रामसार वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की इसका बहुत क्रिटिकल रोल है इन सपोर्टिंग द माइग्रेटरी बर्ड तो मेन उद्देश्य मतलब उसी माइग्रेटरी बर्ड के आसपास उसी के आसपास घूमा है फीडिंग एंड रेस्टिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है सो दीज आर द थिंग्स ये आपको थोड़ा सा देखना है ये आपका ईस्ट एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिय ऑस्ट्रेलेशिया फ्लाईवे के बीच में एग्जिस्ट करता है अरे मतलब जो ईस्ट एशिया से जो पक्षी आते हैं ना ईस्ट एशिया से साउथ सा, साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया तो उस रूट के अंदर ही पड़ता है तो बहुत बढ़िया एकदम स्थान है यहाँ पर जहाँ पे पक्षी रुकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेरा युवा भारत तो हमारे देश ने यार एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रोग्राम को कहा है कि यार ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए मेरा युवा भारत है ना भाई युवा मांग रहे थे रोजगार ठीक है मोदी जी ने कहा रोजगार का क्या करोगे हम तो चाहते हैं कि आप रोजगार बनाओ युवा रोजगार मांग रहे थे कैबिनेट ने कहा मोदी जी ने कहा कि आप रोजगार क्यों मांग रहे हो आप हम आपसे कहते हैं कि आप खुद रोजगार बन, बनाओ देश के अंदर में रोजगार जनरेट करो मोदी जी से युवा जो है वो कह रहे थे कि भैया हमारे लिए कुछ करो मोदी जी ने कहा कि भाई तुम हमारे लिए कुछ करो तुम देश के एक ब्रिज बनो है ना सिटीजन और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करो देखो कितना बड़ा जो है काम मोदी जी ने दिया है देश के युवाओं को है ना एक बहुत एम्बिशियस प्लान है मेरा युवा भारत अब आगे से तुम रोजगार मांगोगे ही नहीं ठीक है कैबिनेट अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस बॉडी मेरा युवा भारत माई भारत जो है वो बना दिया है इट सर्व एज अ ओवर आर्किंग एनेबलिंग मैकेजम पॉवर्ड बाई टेक्नोलॉजी फॉर द यूथ डेवलपमेंट इट सीक्स टू हार्नेस द इमेंस यूथ एनर्जी फॉर नेशन बिल्डिंग बाय एनेबलिंग यूथ टू एक्ट एज अ युवा सेतु बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन कह रहा कि जो युवाओं के अंदर जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करेंगे नेशन बिल्डिंग के अंदर है ना बिचारों को रोजगार मिल नहीं रहा बट नेशन बिल्डिंग करवाएंगे और क्या करें यही है खाली टाइप कुछ तो करें है ना और ये सिटीजन और इसके बीच में एक सेतु का काम करेंगे ठीक है हाँ आपकी बात आ गई है मेरे पास वीडियो स्टक हो रही है अभी देखो अभी सही है कि नहीं है अदरवाइज तो फिर यार ये प्रॉब्लम शायद रहेगी पता नहीं इंटरनेट का इशू है फिर उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा अभी शायद सही होगा ठीक है मेरा युवा भारत तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है दोस्तों मेरा युवा भारत ऑटोनोमस बॉडी के रूप में मेरा युवा भारत अब लॉन्च हो गया टू तो हार्नेस द इमेंस यूथ एनर्जी ऑफ द नेशन बिल्डिंग द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑटोनॉमस बॉडी मेरा युवा भारत एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द एपॉवरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज्ड 15 टू 29 15 से उनतीस साल के लोगों के बीच के लिए है ये ठीक है और इसमें जो यूथ की डेफिनेशन होती है ना वो भी यही कहती है 15 से उनतीस तो उसके साथ में अलाइंड है बिल्कुल इस प्रोग्राम के अंदर में एक स्पेशल एक कैटेगरी बनाई है फॉर एडोलसेंट के लिए एडोलसेंट मतलब जो दस से उन्नीस के बीच में जो लोग हैं उसके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों मैंने बताया एक उद्देश्य है इसका यूथ लेड डेवलपमेंट ठीक है युवाओं के नेतृत्व वाला विकास पर ध्यान केंद्रित करना ठीक है इनका है कि भाई यूथ लेड डेवलपमेंट करेंगे हम यूथ को एज सेंटर एजेंडा में रखेंगे यूथ को हम एक्टिव ड्राइवर बनाएंगे फॉर द प्रोग्रेस एंड द अभी वो क्या है सिर्फ पैसिव रेसिपियंट है सिर्फ जॉब मांग रहे हैं अरे तुम क्या जॉब मांग रहे हो हम तुम्हारे द्वारा जॉब जनरेट करवाएंगे हम तुम्हारे से देश का विकास करवा देंगे ऐसा मोदी जी ने सपना दिखा दिया फिर से एक बार उन्होंने कहा फिर से मुझे पांच साल दीजिएगा आप और हम देखना कि आपके माध्यम से किस प्रकार का विकास हम करवाएंगे ऑफिशियल लॉन्च जो है अभी इसका वो इकतीस अक्टूबर को कराया जाएगा नेशनल यूनिटी डे यूनाइटेड बट अभी अनाउंस किया गया इसको ऑब्जेक्टिव क्या है युवाओं के नेतृत्व विकास को बढ़ावा देना उनकी आकांक्षा और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच घनिष्ठ संरे, संरेखण को बढ़ावा देना मौजूदा पहलों के एकीकरण के माध्यम से समग्र कार्यक्रम दक्षता को बढ़ावा युवाओं और विभिन्न मंत्रालयों दोनों के बीच एक व्यापक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करते हुए पहल केंद्रित डेटाबेस स्थापित करेगी टू तो एनश्योर एसेबिलिटी एंड अ फिजिकल सिस्टम विल बी एस्टैब्लिश्ड ये इसके उद्देश्य हैं ठीक है महत्व तो क्या है सर इसका मैं तो कह रहा कि सर ये युवाओं को ना एक अभी वो सिर्फ एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बने हुए हैं सिर्फ मांग रहे हैं जॉब दे दो जॉब दे दो हम कह रहे हैं कि तुम ही देश का विकास कर दो लो देश तुम्हारे हवाले करो विकास जाओ क्या करोगे जॉब का देश का विकास करो तुम जॉब का क्या करोगे तो ये देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने और जो है भारत के यूथ मिनिस्टर ने अभी कहा है कि आप विकास की बात आप, आप नौकरी की बात ही मत करो आप बात करो विकास की देश के विकास की आप एक लिंक बनो किसके बीच में ठीक है डेवलपमेंट का आप एक लिंक बनो सिटीजन और किसके बीच में गवर्नमेंट के बीच में आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप देश का विकास कर सकते हो आप नेशन बिल्डिंग का, का काम कर सकते हो ठीक है तो वाई यू आर फोकसिंग ऑन दी अदर थिंग्स आप क्यों एक पैसिव रेसिपियंट बने हो सिर्फ हाथ फैला के एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बन रहे हो आपको क्या करना चाहिए आपको तो देश अपने साथ चलाना चाहिए आप तो देश को लेकर आगे बढ़ जाओ ठीक है ये यहां पे कहा गया है ऑपरेशन अजय इसके बारे में बताया था मैंने आपको एक शॉर्ट के माध्यम से भी दोस्तों यूक्रेन में हमने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था अभी फेलेतीन के सॉरी इसराइल के अंदर में भी भारत के बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और उनको वहाँ से निकालने के लिए दोस्तों अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च कर दिया है ताकि वहाँ भारत में फंसे भारत के फंसे लोगों को हम वहाँ से इवैक्यूएट करवाएँ ठीक है समझ में आ रही बात दोस्तों चलिए तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर और इसकी पी डी एफ यहाँ पर मिल जाएगी आपको टी डॉट एम ई स्लैस सुमित राठी यू पी एस सी सुमित राठी ऑफिशियल इसके अलावा एज़ आई टोल्ड यू मेरा कोई दूसरा टेलीग्राम चैनल नहीं है आप इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए ये क्यू आर कोड से आप इसको स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं ठीक है ये मेरा टेलीग्राम चैनल के अलावा ये इंस्टाग्राम है तो दोनों जगह आप जुड़ जाइए ठीक है कंपलसरी है समझ में आया तो दोस्तों लाइक करना है शेयर करना है और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है नाउन दिस नॉट वी आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय जय हिंद मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें कॉमेंट जरूर करें थैंक यू